विधानसभा चुनावों में यूपी के बुलडोजर की खूब चर्चा रही है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि होली के रंगों, पिचकारियों, यहां तक कि मेहंदी तक में बुलडोजर ने अपनी छाप छोड़ी है। चुनावी सीजन से निकला ये बुलडोजर अब शादी सीजन में भी जमकर अपनी लोकप्रियता का परिचय दे रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां दूल्हे को दहेज में मोटर गाड़ी की जगह बुलडोजर मिला है। माँ बाप अपनी बेटी को दहेज में क्या कुछ नहीं देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में दूल्हे को दहेज स्वरूप बुलडोजर मिला है, जिसकी चर्चा अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। दहेज में मिले बुलडोजर का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा मामला जिले के विकासखंड सुमेरपुर ग्राम देवगांव का है, जहां रिटायर्ड फौजी परशुराम की बेटी की शादी 15 दिसंबर को सौखर निवासी नेबी में जॉब कर रहे योगेंद्र उर्फ योगी प्रजापति के साथ हुई है, जहां परशुराम ने बेटी को दहेज में लग्जरी कार नहीं बल्कि बुलडोजर दिया है। वहीं दूल्हे को बुलडोजर पर बैठे देख हर कोई हैरान हो रहा है। बुलडोजर दिए जाने पर शादी में सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहीं इस मामले में लड़की के पिता का कहना है कि कार देते तो वह खड़ी रह जाती, बेटी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अगर नौकरी नहीं मिली तो इससे रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि नेवी में जॉब कर रहे योगेंद्र उर्फ योगी का कहना है कि वे नौकरी कर रहे हैं, वह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, घर वालों ने मर्जी से शादी की है, उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था, साथ ही किसी भी तरह की मांग नहीं की थी, लेकिन ससुर साहब ने उन्हें बुलडोजर का सरप्राइज दिया है। अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज। धन्यवाद।